अज़ां बंद करोगे, ज़ुबां बंद करोगे, मगर दिल की धड़कन कहाँ बंद करोगे। मैं तो एक तुख्म रेजी करने आया हूँ, सो मेरे हाथ से वो तुख्म बोया गया और अब वो बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो इसको रोक सके। अहमदियत का शजरे बरगजीदा, जिसकी तुख्म रेजी मसीह पाक अलैह सलाम के मुकद्दस हाथों से हुई और जिसे खुदा ने परवान चढ़ाया, अब एक शजरे सायादार बन चुका है जिसके साए में कौमें पनाह ले रही हैं। मसीह पाक अलैहिस्सलाम के खुदा के हुजूर हाजिर होने के बाद ये शजर बरगजीदा खिलाफत के हाथों खूब फूला फला। इसको उखाड़ने का अज़्म लेकर उठने वाले मुखालिफीन खायब व खासिर रहे। अंदरूनी तूफान भी बरपा हुए और बैरूनी बगुले भी उठे, लेकिन हर आने वाला दिन इसकी मजबूती में इजाफा करता गया। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो खुदा ताला ने हजरत मौलाना नूरुद्दीन रजी अल्लाह अन्हु को मसनद खिलाफत अता की। आपने अपनी फरासत और खुदा ताला के फजल से जमात को एक हाथ पर जमा कर दिया और खिलाफत के इस्तेहकाम के लिए एक आहमी अज़्म और इरादे के साथ कोशां रहे। आपकी वफात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रजी अल्लाह अन्हु को मकाम खिलाफत अता किया। आपके जमाने में मुखालिफीन व मुआनिदीन ने मुखालिफत के तूफान खड़े कर दिए, लेकिन खिलाफत अहमदिया ने हर मुखालिफत का पूरे अज़्म और इस्तेक़लाल के साथ सामना किया। सन 1934 में पाकिस्तान मुखालिफ मजलिसे एहरार इस्लाम ने दावा किया, हम कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे। कादियान और इसके गिर्दोनवाह से अहमदियों का नामो निशान खत्म कर देंगे। इसके बिलमुकाबिल खलीफतुल मसीह ने ऐलान किया कि मैं एहरार के पांव तले से जमीन निकलती हुई देखता हूँ, और तहरीक जदीद जैसी अजीम शान तहरीक का आगाज किया, जिसके नतीजे में जमात अहमदिया का पैगाम कादियान की छोटी सी बस्ती से निकलकर दुनिया के किनारों तक जा पहुंचा। तमाम दुनिया ने एहरार के पांव तले से जमीन निकलती हुई देखी। सन 1953 में एक बार फिर मुखालिफत का तूफान बरपा किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत भी साथ खड़ी हुई, लेकिन खिलाफत के हाथों वक्फ जदीद का पौधा लगा और तरक्की का सफर तेज तर होता गया। खिलाफत सालिसा के मुबारक अहद में एक बार फिर एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत जमात के खिलाफ सन 1974 में एक तहरीक चलाई गई। ये साल अजीम इब्तला लेकर आया। जमात अहमदिया के हाथों में कशकोल पकड़ाने का दावा किया गया, लेकिन जमात ने हजरत मिर्जा नासिर अहमद खलीफतुल मसीह सालिस की पुरवलवला क़यादत में पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से कदम आगे बढ़ाया। खुदा ने ऐन इब्तला के दिनों में आपको अपने कलाम से नवाजा और ये पैगाम दिया, वस्से मकाना का इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ईन। और देखते ही देखते रब्बा शहर में वसत होने लगी और इब्तला के लम्हे खुशी के नगमों में ढल गए। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस सन 1982 में अपने मौला के हुजूर हाजिर हुए। मसनद खिलाफत पर हजरत ताहिर जलवा फिगन हुए। मुखालिफीन अहमदियत ने मुल्क के गासिब हुक्मरान जनरल जियाउल हक के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेलना चाहा कि खिलाफत के इदारे को मफलूज करने के लिए सन 1984 में एक जालिमाना कानून नाफिज कर दिया, लेकिन खुदा के कायम करदा खलीफा को अपने काम को जारी रखने के लिए वतन से हिजरत करना पड़ी और अपना मुस्तकर लंदन को बनाना पड़ा। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया कि उस दौर में यानी 1984 में जो शरारत है उसमें एक मुकम्मल स्कीम के ताबे पाकिस्तान में जमात अहमदिया के मरकज को मलियामेट करने का इरादा था। चुनाचे सबसे पहले उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनके नतीजे में खलीफा वक्त पाकिस्तान में रहते हुए खिलाफत का कोई भी फरीजा सर अंजाम नहीं दे सकता था। इस हिजरत के नतीजे में जमात पर तरक्यात के दरवाजे खुल गए। जमात का पैगाम सालों ही में हवा के दोष पर घर घर पहुंचने लगा।
خلافت کی آواز جدید ترین ذرائع مواصلات کے ذریعے ایم ٹی اے کے باعث ہر گھر میں داخل ہونے لگی۔ آپ نے اعلان کیا، مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہیں کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح ہمت اور صبر سے مظاہرے کرنا اور کسی دنیا کی طاقت سے خوف نہیں کھانا۔ وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والے خدا والا خدا ہے، وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور نشان مٹا دے گا ان کی دنیا سے۔ جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ سن 2003 میں جماعت دعائیں کرتے ہوئے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں داخل ہو گئی۔ اس دور میں بھی جماعت کے لیے دکھوں کے جنگل اور تکلیفوں کے میدان بنائے گئے، لیکن جماعت اپنے اولو العزم امام حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی قیادت میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امام وقت احمدیت کا پیام امن و سلامتی امریکہ کے ایوانوں سے لے کر یورپین پارلیمنٹ کے در و دیوار تک پہنچا رہے ہیں۔ جماعت کی خدمت خلق اور اس کا پیغام امن و سلامتی دنیا کے ہر دانشور کے دل میں جگہ بنا رہا ہے، اور ہر احمدی اپنے امام کی محبت میں سرشار اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے پر عزم پر ولولہ ہر لمحے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ صدائے فقیرانہ حقاشنا پھیلتی جائے گی شش جہت میں صدا، تیری آواز اے دشمن بدنوا دو قدم دور دو تین پل جائے گی۔